प्लेन सड़कों के बाद ऐसी रोड मिलना ना जहाँ पे कर्व है, बहुत सही लगता है भाई, बहुत सही यार। सब कुछ ही बंद है, जो गेम्स होती थी यहाँ पे। रेंट पे घूमना एक तरफ है किसी भी जगह पे, और अपनी बाइक से घूमना बहुत अलग बात है, बहुत अलग बात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आदित्य सरीन। हमेशा की तरह मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, हमारी एक सीरीज चल रही है जहाँ पे हम इनक्रेडिबल इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। की वीडियो में मैंने आपको मुंबई के दर्शन करवाए, मुंबई को एक्सप्लोर किया था, तो जो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लीजिएगा, आपको पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का प्लान ये है कि आज हम जा रहे हैं मुंबई से महाबलेश्वर की तरफ। मैं 2-3 दिन से मुंबई में था, अपनी बुआ के पास ही रुका हुआ था। महाबलेश्वर ऑलमोस्ट यहाँ से 370 किलोमीटर है, जो ऑलमोस्ट दिखा रहा है हमें 7 घंटे का, 6 से 7 घंटे हमें लग जाएंगे। बैग पैक करके मैंने अपने बाइक पे लगा दिया है। अब मैं आपसे मिलता हूँ मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पे। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट करूँगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पे। बाय बाय, टेक केयर। राइड की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके, जय भोलेनाथ जय महारानी। अच्छी तरह हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, और बहुत खूबसूरत सफ़र रहा। रिलेटिव्स के यहाँ रुका था अपनी बुआ के यहाँ, बहुत मज़ा किया 2-3 दिन। और महाबलेश्वर का रास्ता यहाँ से 241 किलोमीटर की दूरी पे है, और 5.5 घंटे का दिखा रहा है, बट 5.5 घंटे से तो ज़्यादा ही लगेंगे हमें। हम जो जा रहे हैं मुंबई से, पहले जाएंगे नवी मुंबई की तरफ, वहाँ से हम पेन होते हुए मनगांव होते हुए फिर जाएंगे हम महाबलेश्वर। तो ये रूट है, यहाँ पे गर्मी है तो सुबह सुबह ना अगर आप निकल जाते हो ना तो थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी, अदरवाइज जैसे जैसे आप साउथ की तरफ आगे बढ़ते रहोगे ना आपको गर्मी बहुत मिलेगी, क्योंकि एक ही मौसम रहता है ह्यूमिडिटी वाला। मुंबई आओ तो वड़ा पाव ज़रूर खाना बहुत सही लगता है वड़ा पाव, बहुत अच्छा होता है। 3 दिन मैं मुंबई में था, 3 दिन, उसमें से मैंने एक ही दिन वीडियो शूट की है। रीज़न उसका यही था, एक तो ऑफिस वर्क, और फिर ये भी होता है कि जब आप रिलेटिव से इतने दिनों बाद मिलते हो ना तो आपका मन करता है कि चलो ठीक है उनके साथ बैठो। ठीक है, तो बड़े टाइम बाद मैं यहाँ पे आया था, तो मुझे लगा कि टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक दिन मैंने आराम किया, एक दिन मैं घूमा, और अब मैं निकल रहा हूँ महाबलेश्वर की तरफ। तो ऐसा चलता रहता है राइड में, बॉडी को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है जब आप इतनी लंबी राइड कर रहे होते हो। ये किस बार यहाँ पे भी जाम, ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। सुबह 8 बजे के बाद आपको मुंबई में ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, और एक एक मिनट का डिफरेंस हो जाता है। अगर आप सपोज करो अगर 7 बजे चलोगे तब आपको कम मिलेगा, अगर आपके 8 बज गए वहीं पर तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलने लग जाएगा। टोल आया टोल, इसलिए इतना जाम है यहाँ पे। बाइक अच्छी लग रही है आगे वाली। लोनावला सीधा जाना है, जैसे हमारे लिए शिमला हो गया, आसपास की जगह हो गई, मसूरी हो गया हिल स्टेशन है, ऐसे ही मुंबई के लोगों के लिए लोनावला एक हिल स्टेशन है। थैंक यू, टेक केयर, बाय। बंदा मुझे रोक के कह रहा कि सर कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा दिल्ली से। कहता दिल्ली से इतनी दूर, जबकि वो खुद बाइक चला रहा है और खुद गोवा जा रहा है। कहता बट मैं मुंबई से आया हूँ। तो बताओ भाई लोग कैसे हो, मुझे लगा आपसे ऐसे भी बात कर लेनी चाहिए। मुझे कमेंट करके ये बताना कि ये जो सामने वाला जो कैमरा है ये इरिटेट तो नहीं कर रहा, मतलब व्यू को रोक तो नहीं रहा। दोस्तों पता नहीं व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब को मेरे से क्या खुंदक है। अपने दोस्तों फैमिली रिलेटिव्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे हमारी रीच बढ़े। यूट्यूब सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप ही सपोर्ट कर दो, बहुत मेहनत लगती है मोटो ब्लॉगिंग में, बहुत ज़्यादा।
कोई करता होगा मोटो ब्लॉगिंग उसको पता होगा कितनी मेहनत लगती है, और वो भी दिल्ली से कन्याकुमारी। पहाड़ों में तो आपको पता ही है कभी भी पहुंचा जा सकता है, बट ऐसे रूट में ना बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। आप सपोर्ट करो, मेहनत को सपोर्ट करो मेरी, हम और लंबी लंबी राइड पे जाएंगे। मेरा बहुत मन है कि मैं दुनिया ट्रैवल करूं यार। यहाँ पे मुझे एक ढाबा अच्छा दिखा है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल जाता है खाने को। राइट साइड में अच्छा सा साफ सुथरा लग रहा था, अभी मैं एक हाईवे पे हूँ, ये पनवेल मुंबई का हाईवे है, और यहाँ से महाबलेश्वर ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर दूर है। एक जगह रुका हूँ, गांव देवी विश्रांति ढाबा, यहाँ पे वड़ा पाव और चाय पी के निकलेंगे, बाइक अपनी येरी, ठीक है। अभी तक का सफ़र ना बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छी है, आपको रोड अच्छी मिलेगी, थोड़े थोड़े बहुत गड्ढे मिलेंगे, वो तो हर जगह मिलते हैं। चलो चलते हैं, ब्रेड ऑमलेट ही मिला, वड़ा पाव मिला ही नहीं था यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मेरे लेफ्ट और राइट में ना खेत ही खेत है, ग्रीनरी ग्रीनरी है हर जगह, और ये मानसून में ना इतना अच्छा लगता होगा ना जब यहाँ पे बारिश पड़ती होगी। रियल में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसे आप पंजाब साइड जाओगे ना तो आपको ऐसा एरिया मिलता है जैसे मेरे राइट में है। पंद्रह किलोमीटर हो गए हैं मुझे इस ऐसी रोड पे ही चलाते हुए। रोड अभी टूटी हुई है, अभी बन रही है, पीछे से जब आ रहा था तो रोड बनाने का काम स्टार्ट था, अभी तो रोड ये बिल्कुल टूटी हुई है, कहाँ तक टूटी हुई ये भी नहीं पता। इसकी वजह से ना एवरेज स्पीड बहुत कम हो गई है। ये भैया धूल उड़ाओ, ये ट्रक वाले हमारे पास धूल उड़ाते रहेंगे, ये भी क्या करे, रोड ही खराब है, इतनी ज़्यादा खराब रोड है अब, बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो मिट्टी 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 मिट्टी, ऐसा लग रहा है मिट्टी के अंदर घुस रहा हूँ। शिट यार, खूबसूरत नज़ारों के पास पहुंच गया हूँ यार, शांति लग रही, शांति, इतनी शांति है सड़क पे, बहुत शांति है। अगर आप 8 बजे या 9 बजे में निकलते हो तो आप 2-3 बजे तक महाबलेश्वर पहुंच जाओगे। मैं सुबह निकला हूँ 7 बजे और मैं पहुंचूंगा 1 बजे, ठीक है, क्योंकि मैं रुकते रुकते आया हूँ, पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाएगा, पता नहीं कहाँ पेट्रोल मिलेगा, फिर पेट्रोल डलवा के फिर चलते हैं आगे। पेट्रोल भरवा लिया, अब टेंशन ख़त्म। फाइनली महाबलेश्वर के लिए कोई बोर्ड दिखा, लेफ्ट साइड पे हमें महाबलेश्वर के लिए जाना है। जैसे इस एरिया में घुसा हूँ ना थोड़ी ठंडक महसूस हुई है क्योंकि आसपास पेड़ पौधे ही हैं। रेंट पे घूमना एक तरफ है किसी भी जगह पे, और अपनी बाइक से घूमना बहुत अलग बात है, बहुत अलग बात। दिल्ली से अब मैं महाबलेश्वर पहुँच गया हूँ, कितने किलोमीटर दूर। ये ना एक फॉरेस्ट एरिया है, तो मेक श्योर आप अपना गूगल मैप ऑफलाइन डाउनलोड करके आना, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ कई जगह नेट आ रहे हैं, कई जगह बिल्कुल नेट नहीं आ रहे। तो ये फॉरेस्ट एरिया है इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा नेटवर्क का, तो आप चाहे कोई सी भी सिम लेके आ रहे हो ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड करके रखना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम में आ जाओगे, भटक जाओगे।
तो यहाँ पे जो तितलियाँ हैं ना, उन्होंने परेशान करके रखा है, शीशे में बेचारी मर रही है। आई एम सॉरी यार, टकरा टकरा के ना सारी तितलियाँ मेरे जैकेट से, मेरे हेलमेट से टकरा टकरा के मर रही हैं। कुछ कर भी नहीं सकता मैं। प्लेन सड़कों के बाद ऐसी रोड मिलना ना जहाँ पे कर्व है, बहुत सही लगता है भाई, बहुत सही। अब मज़ा आ रहा है इसे चलाने में। KTM में वैसे भी अगर आप कर्व में टर्न लेते हो ना तो बहुत सही लगता है, पर आपको बड़े ध्यान से चलाना होगा, यही रोड बड़ी खतरनाक हो जाती है कभी कभार। ऐसी खूबसूरत वादियाँ ना, खूबसूरत पहाड़, ऐसे पहाड़ मुझे अच्छे लगते हैं। ग्रीन देख रहे हो, हरे भरे, हो क्या सीनिक व्यू है यार, ऑसम, रियली यार बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सीन है यार। देख रहे हो लेफ्ट में, क्या ही व्यू है यार, क्या व्यू है, ऑसम। एक से एक बढ़ के व्यू आ रहे हैं अब, एक से एक बढ़कर। ऐसे आप महाबलेश्वर की तरफ बढ़ोगे, आपको बहुत सारे लॉज, होटल, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। एक जगह रुको जिसका नाम है निरसन ढाबा, यहाँ पे कुछ खाते हैं। तो ये है मटन बिरयानी, अच्छा है। और एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। अगर आप ड्रोन उड़ाओगे तो आपको जुर्माना लगेगा। कभी कभी बार वो ड्रोन ले लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से यूज़ कीजिएगा यहाँ पे। रोड पे बजरी बहुत पड़ी हुई है, इसलिए पिछला टायर बहुत फिसल रहा है। और ये पेड़ों की छाया की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा कि बजरी कहाँ कहाँ पे है। ओहो बहुत ऊपर आ गए हैं यार, यार सब कुछ ही बंद है, जो गेम्स होती थी यहाँ पे सब कुछ बंद है। या तो ये शाम को लगती है, अभी तो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल ही बंद। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, बोटिंग भी आई थिंक बंद की हुई है। अभी सब कुछ बंद है, सब कुछ। होटल में मैं जैसे पहुंचा, मुझे रिसेप्शन वाले भैया ने बोला कि आप गलत टाइम पे आए हो, क्योंकि शिवसेना का आरक्षण का कुछ चल रहा है यहाँ पे और राइट चल रहे हैं, तो उन्होंने आरक्षण के लिए मांग उठा रखी है। तो सारा जो महाबलेश्वर का पूरा एरिया है पूरा बंद किया हुआ है, कुछ भी आपको एक्टिविटीज़ करने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे लोग भी नहीं आ रहे अभी, तो दो दिन बंद है पूरा महाबलेश्वर। बट हाँ, मंदिर मंदिर शायद खुले हो तो आप एक बार देख सकते हो, तो वही एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ अभी। बाकी अगर मैं जो पता होता मैं सीधा गोवा चले आता, महाबलेश्वर नहीं आता। इतना ट्रैवल करके महाबलेश्वर आया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आप क्या कर सकते हैं। और मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, रूम भी अच्छा है, स्पेशियस है। ये एंट्री है, ये बेड है, बेड को लाइक आपको पता ही है, सारा ऑफिस का काम भी चल रहा है, ठीक है, डेटा भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो स्पेशियस है। इसको भूल जाना, जो मोटर लॉगर होता है उसका ऐसे ही हाल होता है, ठीक है। और वॉशरूम भी बहुत बड़ा है, तो स्पेशियस रूम है, बहुत अच्छा रूम है। अभी बस थोड़ा सा ऑफिस का काम करूँगा और एक्सप्लोर करूँगा। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।